भैया जी, क्या हाल चाल है आपका? दोस्तों, मैं हूँ राजस्थान के पिंक सिटी जयपुर शहर में। तो आज मैं आपको पूरा जयपुर घुमाऊंगा। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अगर आप जयपुर पिंक सिटी घूमने के लिए आते हैं तो खाटू श्याम जी के मंदिर जाना कभी ना भूलें। यहाँ से खाटू श्याम जी के जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। जी हाँ, बस सर्विस बहुत चलती है, टैक्सी चलती है, आप खाटू श्याम जी के दर्शन करके जयपुर वापस आ सकते हैं। दोस्तों, मैं अब आपको ले आया हूँ जयपुर के चिड़ियाघर में, जिसकी टिकट है 2200 रुपये। अंदर चल के देखते हैं कि देखने के लिए क्या क्या है। ये देखिए मगरमच्छ कितनी आराम से लेटे हुए हैं, 3 है यहाँ पे। ये देखिए कछुआ आ रहा है धीरे धीरे इधर को। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, सब अनार कटे। चिंपांजी बोले, चिंपांजी थे नहीं यहाँ पे, थे क्या कभी? बंदर थे बड़े वाले, वो सब वहाँ गए। पापा पापा तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सिटी ऑफ पैलेस जयपुर का, बहुत ही अच्छा महल बना हुआ है। ये देखिए मेरे पीछे, तो यहाँ आके आपको ऐसा फील होगा कि आप एक फॉरेन में आ गए हैं। यहाँ यहाँ की सफाई, यहाँ का कल्चर, यहाँ का खाना पीना, ऐसा लगेगा आपको कि आप वाकई में आप कोई और कंट्री में, ये हमारा हिंदुस्तान नहीं है। सो दोस्तों, मैं यहाँ पे इतना एंजॉय कर रहा हूँ कि मेरा ना तो होटल जाने को दिल कर रहा है और ना अपने घर जाने को दिल कर रहा है। जी कर रहा है यहाँ पे घूमता जाऊँ और इन सुंदर महलों का आनंद लेता जाऊँ।
तो पीछे मीनार देख रहे हैं, इसका एक टाइम के साथ लिंक है, यानी जब टिक टिक बजता है, टाइम होता है 2:20 उसके हिसाब से ये बिल्डिंग बनी हुई है। कभी भी आप आए तो गाइड के जरिए आप पता कर सकते हैं कि इस बिल्डिंग का मीनिंग क्या है। देखिए ये गाइड इन सभी को टूरिस्ट को बता रहा है इसके बारे में। यू फ्रॉम हियर? इटली। इटली। डू यू लाइक माय इंडिया? आई लाइक इंडिया। यस, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। जहाँ पे खड़ा हूँ इस चीज़ का भी कोई ना कोई मतलब है, ये जो बना हुआ है ये तो कोई गाइड ही बता सकता है कि इसका क्या मतलब है। कभी भी आप आए तो इसको गाइड के थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। नवंबर का महीना है फिर भी यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है कि आप गर्मी में घूम नहीं सकते। आप खुले आम अपने बच्चों के साथ यहाँ पे घूम सकते हैं, आपको बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होगा। तो यही नहीं, खाने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है, पैटी या कोल्ड ड्रिंक या समोसे आपको यहाँ पे खाने के लिए मिल जाएंगे। कभी भी आप यहाँ पे आके स्नैक्स इंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितनी हाइट है मैम की, हाउ शी ब्यूटीफुल। जैसे आप जंतर मंतर से बाहर आते हैं तो अंकल जी से मिल जाएंगे, बाहर की चोरी मिलती है, ठंडा पानी पीने को मिलेगा, चाय पीने को मिलेगी, अंदर बहुत कॉस्टली है, बाहर आते ही आपको कचौरी समोसा और टोस्ट मिल जाएगा, आप इसका आनंद ले सकते हैं। आई थिंक यू आर लाइक इट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर, हैव ए नाइस डे। कहाँ के रहने वाले अंकल? मैं जयपुर का हूँ। अच्छा, क्या करते हैं अंकल? मैं टूरिस्ट गाइड प्लस एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंट हूँ। अच्छा जी। और मेरा नाम विदेशी अखबारों में और न्यूज़पेपर सिकंदर है। वेरी गुड। सो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जयपुर का जल महल। आमतौर पे आपने वीडियो में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा जल महल, तो चलिए जल महल के दीदार कराता हूँ आपको। तो भैया जी ये रहा आपका जल महल जयपुर का। अगर आप जयपुर घूमने के लिए आते हैं तो मेरा ये मानना है कि 2 दिन जयपुर घूमने के लिए चाहिए, क्योंकि जयपुर इतना बड़ा है, 1 दिन में नहीं घूम सकते। और यहाँ पर जब आएंगे ना, आपका जाने का यहाँ से दिल नहीं करेगा।
सो भैया जी जल महल के बाहर 20 रुपए का ये नींबू लेमन मिलता है। एकदम चिल्ड, आपकी थकावट उतर जाएगी, सच मानिए। जयपुर आइए भैया जी। सो मैं कृष्ण जी के मंदिर लेके जा रहा हूँ आपको जयपुर में जो स्थित है। भाई साहब क्या बात है जी, कितना सुंदर मंदिर है कृष्ण जी का। यहाँ जब प्रभु के द्वार आए हैं तो 5 दिन बैठ के जाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, प्रभु का नाम जपना चाहिए। अगर आप इतनी दूर आए हैं उनसे मिलने के लिए, चाहे दरवाजे बंद हो लेकिन आपके दिल के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहने चाहिए, तभी प्रभु आप पर कृपा करते हैं। चलिए दोस्तों अब आपको मैं हवा महल के दीदार कराता हूँ। बांके बिहारी जी के दर्शन तो नहीं कर पाए क्योंकि आज ग्रहण लगा हुआ है, अब आपको हवा महल का दीदार करवाता हूँ। ये आ गया आपका हवा महल जयपुर का, ये देखिए भाई साहब कितना सुंदर लगता है, और रात में तो नज़ारा इसका कुछ और होता है। यहाँ बन रही है कुल्हड़ वाली चाय, तो सामने आ गया आपका हवा महल भाई साहब। सो भैया जी यहीं पर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर कोई मुझसे गलती होगी तो कृपया मुझे माफ़ करें। जय हिंद।